नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। भाजपा प्रत्याशी विजय वर्गीय सुबह इंदौर से दिल्ली रवाना। पूर्व मंत्री पटवारी ने जिम में बहाया पसीना, जानिए वोटिंग के अगले दिन का नेताओं का रूटीन। इंदौर की 9 सीटों पर शुक्रवार देर रात मतदान खत्म होने के बाद सभी प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली है। पिछले एक महीने से नुक्कड़ सभाओं, रैलियों और रोड शो के जरिए प्रचार में जुटे प्रत्याशियों में से किसी ने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताए तो किसी ने मतदान प्रतिशत कम ज्यादा होने के मायने समझे। राव विधानसभा के प्रत्याशी जीतू पटवारी सुबह साइकिल से घूमते और जिम में पसीना बहाते नजर आए। कमलनाथ बनवा रहे अधिकारियों कर्मचारियों की सूची, सज्जन वर्मा बोले लोकतंत्र की हत्या की तय करेंगे कैसा व्यवहार हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब हार जीत के गणित लगने लगे हैं। एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बनवा रहे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी का हथियार बनकर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी भी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। रणनीति बनाएंगे कि इनके साथ कैसा व्यवहार हो, कहां पदस्थापना की जाए। एक सैकड़ा जवानों के पहरे में 16 दिन रहेगी ईवीएम। स्ट्रांग रूम के बाहर बीएसएफ, एसएएफ, आखिरी लेयर में रहेगी स्थानीय पुलिस। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद ग्वालियर की 6 विधानसभा के 90 प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। यह ईवीएम ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई है। अब 16 दिन एक सैकड़ा जवानों की कड़ी सुरक्षा में जनता का यह अभिमत रहेगा। स्ट्रांग रूम के बाहर ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पहली लेयर में बीएसएफ, दूसरी में एसएएफ और आखिरी में स्थानीय जिला पुलिस का बल रहेगा। इसके लिए करीब एक सैकड़ा जवान, 3 टीआई व 1 सीएसपी विशेष तौर पर तैनात रहेगा। उत्तर विधानसभा में महिला फर्जी वोटिंग करने पहुंची, मतदान केंद्र पर जमकर हुआ हंगामा। कांग्रेस की आपत्ति के बाद नहीं डाल पाई वोट। उज्जैन विधानसभा चुनाव में शुक्रवार को मतदान के दौरान उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक महिला किसी अन्य महिला के नाम से फर्जी वोटिंग के लिए पहुंची थी। बूथ पर मौजूद कांग्रेस के अभिकर्ता ने पहचान कर महिला की वोटिंग करने पर आपत्ति ली। इसके बाद महिला को वोट नहीं डालने दिया, बाद में महिला को थाने पहुंचा दिया। पीठासीन अधिकारी ने भी फर्जी वोटिंग करने की लिखित शिकायत की है। सागर में डंडों से पीट पीट कर युवक की हत्या, विवाद में बीच बचाव करने गया तो आरोपियों ने डंडों से पीटा, अस्पताल में तोड़ा दम। सागर के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम झिला में आपसी विवाद में बीच बचाव करने गए व्यक्ति की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। सतना जिले में 73.28% वोटिंग। मेहर विधानसभा में सबसे ज्यादा 76.96% वोटिंग। सतना में सबसे कम 70.2%। 7 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई। जिले में कुल 73.28% मतदान हुआ। मेहर विधानसभा में सबसे ज्यादा 76.96% वोटरों ने मतदान किया, जबकि सतना सीट पर सबसे कम 70.2% वोट पड़े। वहीं अमरपाटन में 74.8%, कोट में 71.56%, नागौद में 74.99%, रामपुर बघेलान में 73.17% और रेगांव में 70.74% मतदाताओं ने वोट किया। सीधी जिले में 70.17% मतदान, सबसे ज्यादा धौनी में 72.24%, सबसे कम चुरहट में 68.96% वोटिंग। सीधी जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। जिले में कुल 70.17% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा धौनी में 72.24%, सबसे कम चुरहट में 68.96% वोटिंग हुई। सीधी जिले के ग्राम सोनबरसा सहित 2 अन्य गांव में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी के चलते वोटिंग रुक गई, जो सुधार के बाद 40 मिनट में शुरू हुई। जनसंपर्क अधिकारी सीधी मुकेश मिश्रा ने बताया कि कुछ समय के लिए तकनीकी खराबी थी जो सॉल्व कर ली गई। एमपी में कांटे की टक्कर के आसार, पिछले चुनाव में 1% भी नहीं बढ़ी, दिमनी में कम। कैलाश की सीट पर ज्यादा, मध्य प्रदेश में इस बार 76.22% मतदान हुआ। यह आंकड़ा पिछले 4 चुनाव में मुकाबले सबसे ज्यादा है।
लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2018 में वोटिंग प्रतिशत 75.63 था। पिछले चार चुनाव की वोटिंग प्रतिशत के पैटर्न देखें तो पिछले चुनाव की तुलना में इसका अंतर जितना कम बढ़ता है, सत्ताधारी दल को सीटों का नुकसान उतना कम होने की आशंका रहती है। पैट कमिंस ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए शमी बड़ा खतरा। फाइनल से एक दिन पहले बोले, भारत बहुत अच्छी टीम लेकिन हम भी बेहतर खेल रहे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले से एक दिन पहले शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की तारीफ की है। उन्होंने शमी को अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शमी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी गेंदबाजी अच्छी है। उन्होंने आगे कहा कि पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। भारत बहुत अच्छी टीम है लेकिन हम भी बेहतर खेल रहे हैं। खड़गे बोले, भाजपा दलितों को मारने पीटने वालों को टिकट देती है। गहलोत ने कहा, भाजपा की कथनी करनी में अंतर, मोदी शाह झूठे वादे करके जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गरीब और दलितों के लिए झूठा वादा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दिया। एक तरफ गरीब और दलितों की बात करते हो, दूसरी तरफ दलितों को मारने और पीटने वालों को आप टिकट देने बुला लेते हो। आपका क्या जा सकता था यदि एक टिकट उसे नहीं देते तो? एक आदमी ऐसी विचारधारा का हो, पार्टी में हो, उसे जगह नहीं देनी चाहिए। यहां मारो और पीटो और जाकर बीजेपी से टिकट लो। खड़गे भरतपुर के वेयर में सभा को संबोधित कर रहे थे। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।